फिलहाल में बात की जाए, हाँ जी, किस प्रकार की सेलिब्रेशन हो रही है यहाँ पे आज? दही हांडी का त्योहार है और सारे लोग डांस कर रहे हैं गो गो गोविंदा पर, और आर के चौल में आए हैं लोगों से मिलने, अपने फैंस और अपने चाहने वालों से मिल रहा है और दही हांडी सेलिब्रेट कर रहा है सबके साथ। लेकिन आरके के दिमाग में क्या चल रहा है? आरके के दिमाग में ये चल रहा है कि उसको किसी भी हाल में मधु को और अपने आप को और अपने पूरे परिवार को सिक्योर रखना है। सुल्तान का डर बुझो तो जाने। स्क्रीन प्ले राइटर ने जिसका नाम लिखा होगा कि ये फलां कैरेक्टर जाता है लोगों के 40 लोगों के ऊपर चढ़ता है और फिर दही हांडी फोड़ता है। लेकिन सीरियल के हीरो तो आप ही, तो सीधी सी बात है, आप ही हांडी फोड़ेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा दोस्त। नहीं, मैं बचपन से हट्टा कट्टा रहा हूँ तो ये लोग मुझे कभी ऊपर नहीं चढ़ने देते थे। मेरे दोस्त लोग मुझे सबसे नीचे रखते थे जो बाकी लोग ऊपर उठाता था। बढ़िया, जब छोटे थे तब काफी सारे दही हांडी के फेस्टिवल्स में यू नो हमने सेलिब्रेट किए हैं और मटकी भी काफी फोड़ी है, और 2-3 बार शायद लोगों को ऐसा लगा कि हाँ अब ये पतला हो गया, इसने थोड़ा वेट लूज कर लिया है बचपन में, तो मुझे चढ़ने देते थे ऊपर, पर हर साल नहीं चढ़ने देते। अच्छा, क्या कहेंगे विवियन, आज कहने की मटकी की थोड़ी सी ऊंचाई देकर आपको लगा कि आज तो मौका अगर मिले तो कहीं विवियन, मतलब आर के छोड़ो दूर, विवियन तोड़ेगा वो मटकी? इतना ऊपर तो चढ़ जाऊंगा मैं, इतना कॉन्फिडेंस है ये मटकी फोड़ सकता हूँ मैं, अगर मुझे संभालने वाले ठीक ठाक हो नीचे, मतलब आप किसी भी उन्तर पुंतर को खड़ा कर देंगे तो थोड़ी चढ़ पाऊंगा, हालांकि नीचे सारे हट्टे कट्टे होने चाहिए मुझसे डबल वेट के तो वो उठा पाएंगे मुझे। आप नीचे 40-40 किलो के 10-15 आदमी खड़े कर देंगे तो नीचे ही लेके आ जाएंगे मुझे, मटकी तो चलो मेरा मटका फूट जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे दर्शकों को जन्माष्टमी के उत्सव से कुछ बताइए वगैरह? विशिंग ऑल द फैंस, मेरे सभी चाहने वालों को, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे फैंस, मेरे व्यूअर्स को अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी, और एज मैं हमेशा कहता हूँ, मैं खुद भी फूडी हूँ और मैं चाहता हूँ कि त्यौहार का माहौल है, जन्माष्टमी है और कई लोग राखी भी बनवाते हैं, सो जिन लोगों ने राखी पर, राखी के त्यौहार पर अपनी बहनों से राखी नहीं बनवाई या किसी कारणवश राखी बनवाते हुए रह गए, वो अब राखी बनवा लीजिए, अच्छा अच्छा मीठा मीठा खाइए, मीठा मीठा बोलिए और फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए। थैंक यू। उसको बुलाओ, लड़के को।